हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि नो पिक्चर कंडीशन में पैनल को किस तरीके से चेक किया जाता है। तो इससे पहले तो वैसे बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिली होंगी, लेकिन क्या होता है कि हर पैनल को हर फोल्ड के हिसाब से उसको चेक किया जाता है। अभी जैसे ये नो पिक्चर कंडीशन में है, तो अभी हम इसको चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से इसके अंदर हम फोल्ड निकालेंगे, क्योंकि ये जो पैनल है ये GIP पैनल है जिसके अंदर गेट कॉक नहीं होती है। और ये जो पैनल है मेरा सोनी के अंदर लगा हुआ था, लेकिन नो पिक्चर कंडीशन में है, तो इसको चेक करने का अभी मैं आपको तरीका आपको बता देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी पावर लगा के दिखाता हूँ कि इसकी जो कंडीशन है वो किस तरीके की है। तो अभी जैसे मेरे पास सेट को मैं ऑन कर लेता हूँ, ये मैंने अपने टेस्टिंग बोर्ड पे लगा रखा है। तो टेस्टिंग बोर्ड पे लगाने के बाद अब जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे जो पैनल है बिल्कुल ब्लैंक है। तो अभी जो है हमारी यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है। अभी कैसी ट्रेनिंग चल रही है भाई आप सभी की? बहुत बढ़िया चल रही है, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं अभी। वैसे आज तो दूसरा तीसरा दिन है, तो बाकी धीरे धीरे करके सारी चीज़ें आपके समझ में आती रहेंगी। बाकी इस तरीके के जो फॉल्ट आते हैं ये भी आपको प्रैक्टिकल देखने को मिलेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि क्या होता है एक चीज़ को सामने देखना, रिपेयरिंग करना और उसको सीखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो अभी जैसे यहाँ पर फॉल्ट आया तो इसको हम देख लेते हैं किस तरीके से रिपेयर करते हैं। अभी मैं आपके सामने टीवी लेकर आया हूँ ये, तो चलिए देखते हैं। पहले जब भी पैनल के अंदर फॉल्ट आता है तो दोस्तों हम क्या काम करते हैं, इसकी सभी बेसिक वोल्टेज चेक करते हैं। बेसिक वोल्टेज तो सभी को पता होता है, सभी काम करने वाले बंदे हैं। तो बेसिक वोल्टेज क्या क्या होती है भाई बताइए? सबसे पहले 12 वोल्ट चेक करेंगे। और कौन कौन सी वोल्टेज पैनल के अंदर बनती है? 3.3 वोल्ट और 1.8 वोल्ट और 1.2 वोल्ट और VGS, VGL, AVDD ये सारी वोल्टेज बनती है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी वोल्टेज ही चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे आप ये देखोगे कितना वोल्टेज बन रहा है, 12 वोल्ट की सप्लाई है, बिल्कुल परफेक्ट है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है डायरेक्ट हमारी जाती है DC to DC IC के अंदर। तो ये DC to DC IC है, यहाँ पे इस IC के अंदर हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई इनपुट होगी। और ये 12 वोल्ट इनपुट होने के बाद सबसे पहले इस IC के अंदर क्या लगा होता है? बक कन्वर्टर लगा होता है, वो ऑन होगा। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई बन गई है। अब ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई बन गई है, 3.3 वोल्ट की सप्लाई कहाँ जाती है? हमारे टीकॉन IC के अंदर जाती है, क्योंकि टीकॉन IC को वोल्टेज चाहिए 3.3 वोल्ट और 1.2 वोल्ट। तो 3.3 वोल्ट तो आपको देख ही लिया, तो इसके अंदर चली गई है। और बाकी आप इसके आसपास में आप ये देख सकते हो कॉइल पे भी बन रही है 3.3 वोल्ट। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, कई बार यहाँ पे एक रेगुलेटर लगा होता है। अगर यहाँ पे रेगुलेटर नहीं लगा हुआ है तो इस कंडीशन में कंपनी करती क्या है, डिवाइडर सर्किट बना के 1.2 वोल्ट बना देती है, यानी कि रेगुलेटर बच गया, पैसे बच गए। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो देखो रेगुलेटर में 3.3 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे बन रही है, और यहाँ पे देखो 1 वोल्ट के अराउंड यहाँ पे वोल्टेज बन रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे वोल्टेज कैसे बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो रेगुलेटर तो है ही नहीं। तो यहाँ पे आप ये देखोगे तो दो रेजिस्टेंस यहाँ पे लगे हुए हैं। अब ये दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इसका मतलब क्या है, डिवाइडर सर्किट है। अगर हम डिवाइडर सर्किट को चेक करते हैं तो देखोगे 3.3 वोल्ट इसके अंदर इनपुट हो रही है, और दूसरा पॉइंट इसका ग्राउंड है। और यहाँ पे आप ये देखोगे तो ये हमारी वोल्टेज, ये देखो यहाँ पे हमारी वोल्टेज 1 वोल्ट के अराउंड बन रहा है, ठीक है ना। वही वोल्टेज यहाँ पे कनेक्ट कर रखी है और वहीं से वोल्टेज हमारी इस IC के अंदर जा रही है। अभी IC इनेबल वोल्टेज भेजेगी DC to DC को। DC to DC इनेबल भेजने के बाद क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले AVDD वोल्टेज बनेगा। तो दोस्तों AVDD वोल्टेज जो होता है हमारा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये डायोड है, और डायोड के एनोड पे अगर मैं चेक करता हूँ तो 12 वोल्ट की सप्लाई आपको मिलेगी, और कैथोड पे चेक कर रहा हूँ तो मेरे को AVDD वोल्टेज प्रॉपर मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मेरे को AVDD वोल्टेज नहीं मिल रहा है। और जब तक ये AVDD नहीं बनेगा तब तक VGH भी नहीं बनेगा और VGL भी नहीं बनेगा, आगे की कोई वोल्टेज नहीं बनेगी। यानी कि प्राइमरी वोल्टेज तो ओके, हमारी सेकेंडरी वोल्टेज में कोई भी नहीं बन रही है। तो इस कंडीशन में हम पहले ये देखेंगे कि भाई इसके अंदर PCB में शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादातर देखो यहाँ पे लेवल शिफ्टर IC भी लगी हुई है, इसके अंदर गेट लाइन नहीं होती है, CKV ट्रैक होते हैं। तो CKV तो सैमसंग में आते हैं, इसके अंदर दूसरा नाम चेंज हो जाता है, चीज़ वही है। तो ट्रैक तो शॉर्टिंग नहीं है, क्या चीज़ में दिक्कत है तो उसको हम स्टेप बाई स्टेप चेक कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले मैं ये चीज़ देख लेता हूँ कि भाई हमारी DC to DC IC वर्किंग में है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इसको यहाँ पे पकड़ लो, ये नेगेटिव पे इसको पकड़ लो, नेगेटिव पे पकड़ के रखो, और मैं ये AVDD पॉइंट पर लगा रहा हूँ। और मैं क्या काम करूँगा, अभी इसको बंद करके दोबारा से ऑन करूँगा।
और ऑन करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि हमारी जो वोल्टेज है वो आके जाती है या फिर स्टेबल रहती है। तो इस चीज पे आप थोड़ा सा ध्यान देना। देखो क्या हुआ, वोल्टेज आके चली, वोल्टेज आके चली गई। एक बार और चेक कर लेते हैं, तो थोड़ा सा कैमरे पे दिखाइए कि जो हमारी जो वोल्टेज है वो आके जा रही है। देखो पैनल को रिपेयर करना क्या होता है ना, थोड़ा सा टिपिकल होता है हर किसी के लिए, लेकिन अगर आपको पैनल समझ में आ जाता है तो पैनल आपको आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो मैं दोबारा से इसको ऑन कर रहा हूँ, ये देखो वोल्टेज आके चली गई। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारा AVDD की लाइन में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। अब हमारे को ये चीज़ समझनी है कि भाई AVDD वोल्टेज जाती कहाँ कहाँ पे, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है हमारे को। AVDD वोल्टेज जाती कहाँ कहाँ पर है, तो सबसे पहले तो देखो AVDD जो वोल्टेज है, सबसे पहले यहाँ पे आप ये देखोगे तो एक ये MOSFET लगा हुआ है, और इस MOSFET से निकलने के बाद ये सबसे पहले जो सप्लाई जाती है हमारी, ये जाती है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो डायोड लगे हुए हैं। ये डायोड किस चीज़ के हैं? ये पंप सर्किट के हैं। बहुत बढ़िया, ये पंप सर्किट के लिए है, इसको बोलते हैं चार्ज पंप सर्किट, ठीक है। ये वोल्टेज को क्या करता है, बूस्ट करता है, जिससे क्या बनता है हमारा VGH वोल्टेज बनती है। तो अगर हम यहाँ से देखो कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो हमारे को यहाँ पे कंटिन्यूटी मिलेगी। ये देखो यहाँ से मैं, ये देखो कंटिन्यूटी मिली है। तो अभी मैं इस डायोड को चेक करूँगा, फिर इस डायोड को चेक करते हैं, फिर देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। तो ये देखोगे तो यहाँ पे हमारे को डायोड क्या दिखा रहा है, कितनी वैल्यू दिखा रहा है, 0.2 कितनी वैल्यू दिखा रहा है, 0.273 के आसपास है, ठीक है, सही है। और दूसरा हम यहाँ पे चेक करते हैं कितना वैल्यू दिखा रहा है, समथिंग सेम है। तो यानी कि ये डायोड क्या है आपका, ओके। अगला डायोड चेक करते हैं, सेम इसी तरीके से चेक करेंगे। तो ये हमारा एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया। तो यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, ये कुछ नहीं दिखा रहा। अब हम इसको चेंज करके लगाते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सही दिखा रहा है, यानी कि ये जो डायोड है, इस डायोड के अंदर एक डायोड जो है वो ओपन हो चुका है, इसके अंदर का एक डायोड ओपन हो गया। तो देखो उस कंडीशन में हम क्या काम करेंगे, मेरे पास ऑलरेडी एक PCB और पड़ी हुई है, तो इसके अंदर भी देखोगे तो पंप सर्किट यहाँ पे लगा हुआ है ना। क्या होता है कि आपको सर्किटों की पहचान करनी है, सर्किटों को पहचानना सीख जाओगे तो छोटे छोटे रेजिस्टेंस भी खराब हो गए तो एकदम से पकड़ में आ जाएगा। अब वही है कि सर्किट वगैरह की पहचान तो होती नहीं है, और क्या है फिर लड़ते हैं, ICU उखाड़ दी, ट्रैक काट दिए, पैनल खराब कर दिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल करने से मिलेगी। बोर्ड पे तो देखो जो चीज़ आप सीख रहे हो, प्रैक्टिकल भी ज़रूरी है, प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है ना। सर तो काम करते ही हैं भाई, मार्केट में किस तरीके से काम होता है सर को पता है, क्यों सर? बिल्कुल है ना, कस्टमर को काम चाहिए, कस्टमर को काम ठीक होना चाहिए, काम होना चाहिए बस, है ना। तो तुक्के वाला काम नहीं होना चाहिए, हमारे को पता होना चाहिए भाई प्रॉब्लम है कहाँ। तो ये हम डायोड को निकाल लेते हैं, ये डायोड पकड़ते हैं। तो काफ़ी सारे व्यूवर्स देख भी रहे होंगे किस तरीके से पैनल को चेक करना है, पैनल को रिपेयर करना है। अगर आपको प्रॉपर तरीके से रिपेयर करने में प्रॉब्लम होती है तो आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, और ट्रेनिंग लेने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी हमने ये डायोड चेंज कर दिया है, और डायोड चेंज करने के बाद इस डायोड की भी कंडीशन एक बार चेक कर लेते हैं, और क्योंकि टेम्परेचर भी इसके अंदर अभी क्या है ज़्यादा है, तो अभी हम एकदम से सप्लाई नहीं लगाएंगे। तो मैं इसके अंदर क्या चीज़ चेक कर लेता हूँ, एक बार इसकी वैल्यू चेक करते हैं। अभी यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा, और चेंज करके देखते हैं तो ये एनोड और कैथोड की तरफ क्या दिखाएगा। तो हमारे को 240 के अराउंड यहाँ पर दिखा रहा है, क्योंकि अभी ये क्या है गर्म है, तो आप देख सकते हो थोड़ा सा वैल्यू थोड़ी सी शिफ्ट होती है ऊपर नीचे। तो यहाँ पे ये हमारा सही दिखा रहा है, और यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे भी हमारा ये परफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। अभी ये देखते हैं कि हमारा जो AVDD वोल्टेज है वो दोबारा से बनता है या नहीं बनता। दोबारा से आप इसको यहाँ पे पकड़ो, और अभी हम क्या काम करेंगे, AVDD पॉइंट पे हम इसको लगा के रखते हैं और पावर ऑन करके चेक करेंगे क्या कंडीशन बनती है। मल्टीमीटर को वोल्टेज रेंज पे सेट कर लेते हैं, और सेट को ऑन करते हैं
तो सेट को ऑन करने के बाद देखते हैं क्या बनता है हमारा एवीडीडी वोल्टेज। दोबारा से ऑन करते हैं हम सेट को, तो सेम कंडीशन में आ रही है, अभी वोल्टेज आके जा रही है। तो अभी देख लेते हैं, हो सकता है दोनों डायोड हमारे को रिप्लेस करने पड़े, तो इसके अंदर हम एक और डायोड को भी बदल देते हैं ताकि हमारा काम परफेक्ट तरीके से हो जाए। इस डायोड को भी मैं बदल देता हूँ। कई बार क्या होता है चार्ज पंप सर्किट में दो दो डायोड लगे होते हैं, तो दोनों डायोड क्या होता है सेम नंबर के होते हैं, तो एक दूसरे के इक्विवेलेंट पे काम नहीं करते हैं, तो आपको सेम ही लगाने पड़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको टाइम देंगे, क्योंकि क्या होता है जब भी हम कंपोनेंट को बदलते हैं फिर वही चीज़ है कि हीट होता है कंपोनेंट, तो ये भी हो सकता है कि प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। लगाइए सर ग्राउंड में और फिर से चेक करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अभी क्या है, वोल्टेज हमारी 16 वोल्ट बन गई और पैनल पे आप ये देख सकते हो पिक्चर बिल्कुल परफेक्ट है। अब ये टेस्टिंग का बोर्ड लगा रखा है तो ये मैपिंग में है, लेकिन हमारी पिक्चर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन गई है। ठीक है जी, तो ये दोनों डायोड चेंज करने पर ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है हमारी। ठीक है ना, बाकी इस तरीके से आप किसी भी पैनल को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप भी LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।